आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सदियों पुरानी है, जिसे कभी चारण भाट और राय इस देश में उन कहानियों को राज दरबारों में, मेलों में, महफिलों में सुनाया करते थे। देखा जाए तो वो उन कहानियों के प्रसार के एक सबसे बेहतरीन वाहक थे हमारे समाज में। कहानियां सबक देती हैं, कहानियां हमारे अतीत को बताती हैं, और कहानियां मानो हृदय की परतों को उधेड़ती हैं। कहानियां आदमी के दिमाग के ताने बाने को सुलझाती हैं। तो ये कहानी है, इस कहानी का नाम है काला भंडारी, और इस कहानी को सुनाया है हमारे कुमायूं के बैगा हुड़किया ने। और जानते हैं किसे सुनाया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवरेंड ईएस ओकले और हमारे उत्तराखंड के बैरिस्टर, इतिहासकार, कवि, लेखक तारादत्त गैरोला को। और वो कहानी ब्रिटिश इंडिया में दस्तावेजीकरण हुआ उसका, और उस किताब का नाम है हिमालयन फोकलोर। और उस किताब के जरिए इस अतीत के किस्से को आप सबके सामने जाहिर करने की कोशिश है। तो सुनिए ये कहानी काला भंडारी। एक समय की बात है कि लखीमपुर नामक स्थान में काला भंडारी नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पिता का नाम बीरू भंडारी था। काला भंडारी जब बच्चा था तभी से वो शानदार ताकत वाले करतब किया करता था। जब वो 12 वर्ष का था तो उसने सपने में देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी है और उसे प्रस्ताव दे रही है। वो जागा अति उत्साह में। उस लड़की का नाम उदयमाला था। उसकी सुंदरता दूर दूर तक विख्यात थी। उसके पिता का नाम धामदेव था। वो कलनी कोट, जो कि गढ़वाल में है, का रहने वाला था। यहाँ पे मैं बता दूं कि जहाँ पे जिस गांव जगह के नाम के आगे कोट शब्द लग जाता है तो उस कोट का मतलब ही होता है फोर्टिफाइड, यानी जो चारों तरफ से घिरा हो बड़ी बड़ी खाइयों से, दीवालों से, यानी दुर्ग। तो जो हमारे ये धामदेव थे वो एक जमींदार थे गढ़वाल उत्तराखंड के। उनकी वो लड़की थी जिसकी खूबसूरती बड़ा विख्यात थी पूरी तराई और भाभर में। काला भंडारी पागलों की तरह उसे खोजने लगा। अंततः वो कलनी कोट पहुंचने में सफल हुआ। वो उदयमाला के कमरे में दाखिल हुआ। दोनों छुपकर कुछ दिनों तक साथ रहे। काला भंडारी वहां से निकलकर धर्मदेव के पास गया, यानी उदयमाला के पिता के पास, और उदयमाला के सामने उदयमाला से शादी का प्रस्ताव उसके पिता धर्मदेव के सामने रखा। धर्मदेव एक शर्त के साथ शादी के लिए राजी हो गया कि यदि काला भंडारी उन्हें एक सूप यानी विनोइंग बास्केट, जिससे हमारे यहाँ अनाज, गेहूं, धान को पछोरा जाता है, अवधि में ऐसा ही बोलते हैं, भर रुपए देने की बात कही कि अगर वो सूप भर रुपए दे दे तो वो उदयमाला की शादी काला भंडारी के साथ कर देंगे। काला भंडारी ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। काला भंडारी फिर अपने घर लखीमपुर लौट आया। इसी बीच चार विख्यात योद्धा चंपावत पहुंचे, जो कि गुरु ज्ञानचंद की राजधानी थी, और उन्हें ललकारा कि वह कोई योद्धा भेजे उनसे लड़ने के लिए, और धमकाया कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके राज्य को वो तबाह कर देंगे। गुरु ज्ञानचंद बहुत बड़ी आफत में आ गए। उन्होंने मंत्रणा के लिए सभी दरबारियों व मंत्रियों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। सभी ने एक सहमति में काला भंडारी का नाम लिया, क्योंकि काला भंडारी आज भी कुमायूं तराई और भाभर में विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक वीर, एक हीरो इतिहास में, कभी बुंदेलखंड के आल्हा उदन, जो 7 बरस में
एक बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो हमारे इतिहास में ऐसे तमाम लोग होते रहे हैं और काला भंडारी भी उनमें से एक था। जाहिर है कि उसका रसूख था, उसका नाम था, तो मंत्रियों ने और दरबारियों ने काला भंडारी का ही नाम लिया। शायद कुमाऊं में भोला भंडारी के नाम से भी कुछ लोग उसे जानते हैं आज मौजूदा समय में, कि वही एक व्यक्ति है जो इन योद्धाओं से लड़ सकता है। हालांकि वो 12 बरस का बालक ही था, किंतु वह अनंत शक्तियां रखता था और बहादुर भी। तुरंत एक हरकहरा भेजा गया काला भंडारी के पास, किंतु काला भंडारी के पिता ने अपने पुत्र प्रेम में आके उसे उनके साथ जाने के लिए रोक दिया। आखिरकार उन्हें इस बात के लिए मना लिया गया कि काला भंडारी उन 4 खूंखार योद्धाओं से युद्ध लड़ेगा। इस तरह काला भंडारी चंपावत पहुंचा, राजा ज्ञानचंद के पास गया। वो उसकी कम उम्र देखकर हतोत्साहित हो गए। जाहिर है वो 12 बरस का बच्चा था। उन्हें विश्वास ना हो रहा था कि ये छोटा सा बालक उन खतरनाक योद्धाओं से लड़ पाएगा कि नहीं। काला भंडारी ने अपने सम्मान में महल में रखे युद्ध के वाद्य यंत्रों को बजवाने का आदेश दिया। युद्ध की घोषणा के लिए उस दौर में राजाओं के पास नक्कारे, तुरही, तमाम तरीके के वाद्य यंत्र होते थे और जो युद्ध की उद्घोष के लिए बजते थे। काला भंडारी ने भी ऐसा किया, लेकिन उसमें भी एक खासियत थी कि उसने वो नक्कारे अपने सम्मान में बजवाए थे बजाय उन 4 योद्धाओं के सम्मान के। शायद भविष्य में काला भंडारी के सम्मान में ही वो वाद्य यंत्र मचने वाले थे उसके विजय घोष में। इस अपमान से अपमानित उन 4 खूंखार खतरनाक योद्धाओं ने इसका कारण पूछा। राजा गुरु ज्ञानचंद ने कहा कि उन्होंने लड़ने के लिए योद्धा भेजा है, वो अपने सम्मान में युद्ध के वाद्य यंत्र बजा रहा है। अब काला भंडारी युद्धभूमि में प्रकट होता है और उन योद्धाओं से युद्ध की घोषणा करता है। चारों योद्धा एकाएक काला भंडारी पर टूट पड़ते हैं। काला भंडारी ये कहकर इसका विरोध करता है कि ये न्यायोचित नहीं है कि 4 व्यक्ति एक साथ एक व्यक्ति से लड़े। फिर उन्होंने अपने 2 योद्धाओं से काला भंडारी से लड़ने के लिए तैयार किया। काला भंडारी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उन 2 योद्धाओं से और अंततः उन दोनों योद्धाओं को काला भंडारी ने जमीन में गिरा दिया और उन्हें मार डाला। ये देखकर बचे हुए दोनों योद्धाओं ने खौफ ज़दा होकर खुद को मार दिया, यानी आत्महत्या कर ली। गुरु ज्ञानचंद काला भंडारी की वीरता पर बहुत प्रसन्न और कृतज्ञ हुए और उसे बहुत से रुपयों का पुरस्कार व आशीर्वाद दिया। काला भंडारी बहुत सारा पुरस्कार रूपी धन लाद कर अपने घर लौटा और उदयमाला के पिता को संदेशा भिजवाया कि उन्हें उनकी शपथ याद दिलाई कि उदयमाला और काला भंडारी से शादी करने के लिए उन्होंने 1 सूप रुपए की मांग की थी और वो 1 सूप रुपए देने के लिए अब तैयार है। लेकिन विडंबना देखिए कि इसी मध्य रिपु नाम का एक व्यक्ति जो गंगा सारी हाट कर रहने वाला था, रिपु गंगोला, ने धामदेव के पास जाकर उनकी बेटी उदयमाला का हाथ मांगा। उसने बहुत सारा धन धामदेव के दरबारियों को बांटा और बहुत सारी बहुमूल्य चीजें धामदेव को दी ताकि वो उनका पक्ष हासिल कर सके उदयमाला से शादी करने के लिए। एक तरीके का लालच था। इस तरह धामदेव उदयमाला का विवाह रिपु गंगोला से करने को राजी हो गया। विवाह की तारीख पक्की हो गई और रिपु बहुत बड़ी बारात लेकर वहां पहुंचा। जब शादी के दिन निकट आने लगे
तभी उदयमाला काला भंडारी के सपने में आई और बताती है कि उसकी शादी बहुत जल्द रिपु के साथ होने वाली है और कहती है कि वो आए और उसे यहाँ से ले जाए। जब काला भंडारी की आंख खुली तो विकलता से भर गया। उसने यह बात अपने पिता वीरू भंडारी को बताई। पिता ने उसे वहां जाने से मना करा और कहा कि वो उदयमाला से विवाह का विचार त्याग दे, किंतु काला भंडारी नहीं माना। उसने अपने शरीर में राख लपेटी और वेश बदलकर साधु के रूप में वह कालिनी कोट के लिए रवाना हुआ और वो ठीक शादी के दिन वहां पहुंचा, जब उदयमाला और रिपु की शादी होने वाली थी। उसने उदयमाला के कक्ष में दाखिल होने का प्रबंध किया। उदयमाला के कक्ष में जाकर उसने कहा और उन दोनों के बीच यह तय हुआ कि जब शादी में नवा फेरा हो तो तुम मना कर देना, तुम तब तक नवा फेरा ना लेना और उनसे कहना कि तुम्हारे गुरु जब तक सामने ना आ जाए, जो कि एक साधु है। समय अनुसार विवाह अनुष्ठान की शुरुआत हुई। बहुत ही वैभवशाली समारोह जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात ब्राह्मणों व गरीबों में वितरित किए गए। तभी उदयमाला ने आठवें फेरे के बाद नवा फेरा लेने से मना कर दिया, जो कि विवाह की संपन्न करता, जो विवाह को संपन्न करता, ये कहते हुए कि वो नवा फेरा तब लेगी जब तक उसके गुरु उसके सामने नहीं आ जाएंगे, जो कि एक साधु। वहां एक वैभवशाली समारोह चल रहा था। चारण और भाट गा बजाकर विवाह समारोह का आनंद ले रहे थे। इसी बीच काला भंडारी साधु के वेश में वहां प्रकट होता है। जब उदयमाला उसे देखती है और कहती है कि हमारे गुरु आ चुके हैं और ये तलवार और ढाल के साथ नृत्य करने में निपुण है। लोगों ने उस साधु से याचना की कि या इस समारोह में अपना नृत्य दिखाकर लोगों का मनोरंजन करें। साधु ने वर पक्ष और कन्या पक्ष को एक एक रेखा खींचकर अलग कर दिया और तब साधु ने अपना नृत्य शुरू किया। अचानक साधु ने सभी बारातियों के सिर काटना शुरू कर दिया। देखते देखते सारे बाराती मारे गए, जिसमें उदयमाला का होने वाला पति रिपु भी मारा गया। रिपु का छोटा भाई लूला गंगोला ही अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा, लेकिन उसने काला भंडारी के पास आकर अपनी जान की भीख मांगी और काला भंडारी ने भी उसे क्षमा कर दिया। काला ने अपने सारे शत्रुओं को मारने के बाद वह उदयमाला के पास गया। वह बहुत थका हुआ और प्यासा था। उदयमाला ने लूला गंगोला को आदेशित किया कि वह उसके लिए पानी लेकर आए, यानी जिससे उदयमाला की शादी होने वाली थी रूपा गंगोला के छोटे भाई। लूला गंगोला से पानी मंगाने का आदेश दिया उदयमाला ने, जिसको काला भंडारी ने माफ किया था। जब थका हारा भंडारी पानी पीने लगा, तभी लूला ने उसी पत्थर से काला के सिर पर जोरदार प्रहार किए, जो कि पानी लाते वक्त इस लूला गंगोला ने एक पत्थर अपने कपड़ों में छुपा के लेकर आया था। काला अधमरी स्थिति में था या लगभग उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी, लेकिन उसने अपने हाथ से ढाल पर तलवार नहीं गिरने दी और अंततः मरने से पहले काला भंडारी ने अपनी तलवार से लूला गंगोला का सर कलम कर दिया। उदयमाला अकेले रह गई। नियति देखिए, बहुत रोने पीटने व हतोत्साहित होने के बाद उसने अपने भीतर के आत्मविश्वास को इकट्ठा किया और काला भंडारी के सर को अपने दाएं घुटने पर रखा और रिपु गंगोला के सिर को अपने बाएं घुटने पर रखा और वो अग्नि में समाहित होकर सती हो गई। ऐसा कहा है हमारे इस बैगा हुडकिया ने, जो हमारे कुमायूं का रहने वाला था, और इस कथा को लिपिबद्ध किया है ईएस ओकले और हमारे कैरोला ने।
तो ये कहानी थी हमारे पहाड़ों की, और ऐसी और भी कहानियां हम आपको सुनाएंगे जिसे कभी ब्रिटिश भारत के इन तमाम बुद्धिजीवी अंग्रेजों ने संकलित किया है। और ये कहानियां हमारा अतीत कहती हैं, ये जरूर याद रखिएगा। बस नजरिया आपके पास होना चाहिए कि कहानियों से आप अपने उस अतीत के किस किस हिस्से को निकाल लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।